मेरे इतना दर्द हो रहा था चेस्ट में, मुझसे मतलब शब्द निकल नहीं रहे थे। डेड बॉडीज़ को निकाल रहे थे, किसी की कमर से खून बह रहा था, कोई कराह रहा था। अब खतरा नहीं था, सीधा मौत थी। कुछ समझ पाता इससे पहले उधर से मुझे फ्लैश दिखाई दिया, तो जैसे फ्लैश दिखाई दिया तो मैंने भी फायर ओपन कर दिया अपनी तरफ से। करीब 3-4 राउंड फायर हुए और जो बुलेट का जो थ्रस्ट था वो कान को पूरा उखाड़ के ले गया। और मैं कब ज़मीन जो फ्लोर था, मैं कब फ्लोर पे गिरा मुझे कुछ पता नहीं। मैंने हैंड ग्रेनेड निकाला लाइव, पिन खींचा और मैंने उनकी तरफ जहाँ से मेरे ऊपर फायर आ रहा था मैंने उधर लॉब कर दिया, फेंक दिया। 2 साउंड मुझे सुनाई दिए गिरने के उसके, और 1 से लेकर मैंने 10 तक काउंट किया, लेकिन वो ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं हुआ। कराची के कंट्रोल रूम में बैठे लश्कर के कमांडर बीन बजा रहे थे और उनकी धुन पर दहशतगर्दी के काले नाग मुंबई को डस रहे थे। भारत की आर्थिक राजधानी पाकिस्तानी आतंकवाद के सबसे क्रूर रक्त चरित्र को देख रही थी, झेल रही थी और सिसक रही थी। और मुंबई के सीने पर चल रही हर एक गोली का हिसाब कराची में बैठे आतंक के आका ले रहे थे। और ये सब कुछ पाकिस्तान में लश्कर के कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा था। कराची में लश्कर के मास्टर कंट्रोल रूम में ज़कीउर रहमान लखवी और उसकी टीम आतंकवादियों को गाइड कर रही थी। उस तरह की सिचुएशन थी। जब हम लोग मुंबई हार्बर पे पहुंचे तो हमारे जो टीम कमांडर थे उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि हम लोग सब इक्विप्ड हैं और जितना जल्दी हम लोग इवैक्यूएट कर लेंगे तो होटल खाली हो जाएगा और टेररिस्ट को मारना उतना ही आसान हो जाएगा। आतंक के उस काले अध्याय का 1 दशक गुजर चुका है और आज हम आपको दिखाएंगे उसी टेरर अटैक की इनसाइड स्टोरी, जिसमें आतंकियों से 10 कदम की दूरी से मोर्चा लेने वाले मार्कोस कमांडो प्रवीण तेवतिया बुरी तरह जख्मी हो गए। जिस हमले में आतंकियों के बम से निकले छर्रे आज भी इस जांबाज कमांडो के जिस्म में मौजूद हैं। रूम के अंदर पूरा अंधेरा था। जैसे ही मैंने 8 से 9 कदम रखे अंदर तो मुझे 2 सेफ्टी कैच की आवाज़ सुनाई दी, AK-47 के 2 सेफ्टी कैच। तो जैसे ही मुझे सुनाई दिया तो मैं कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 2 टेररिस्ट अवेलेबल हैं, जबकि उस समय पे उस रूम के अंदर 4 टेररिस्ट उसी रूम के अंदर थे। उसके बाद मैंने जैसे ही वेपन उनकी तरफ पॉइंट किया और अंधेरे में अपने आप को सैचुरेट कर रहा था, तो मुझे तब तक कुछ समझ पाता इससे पहले उधर से मुझे फ्लैश दिखाई दिया, तो जैसे फ्लैश दिखाई दिया तो मैंने भी फायर ओपन कर दिया अपनी तरफ से। करीब 3-4 राउंड फायर हुए और जो बुलेट का जो थ्रस्ट था वो कान को पूरा उखाड़ के ले गया। और मैं कब ज़मीन जो फ्लोर था, मैं कब फ्लोर पे गिरा मुझे कुछ पता नहीं चला सर। उस रात लगभग 8 बजे के आसपास 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए। मुंबई में खूनी खेल खेलने के लिए आतंकवादी 2-2 के ग्रुप में बट गए। 2 आतंकियों के एक ग्रुप ने सबसे पहले मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमला किया। रात लगभग 9:45 पर 4 आतंकवादियों ने विदेशियों से भरे लियोपोल्ड कैफे पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। तो करीब रात 9:38 पर लियोपोल्ड कैफे पर हमला करने वाले 4 आतंकियों में से 2 आतंकियों ने ताज पैलेस और टावर होटल की ओर रुख किया। चुनौतियां उस समय पे क्या हो गया था, वो लोग ओल्ड हेरिटेज की 3 फ्लोर को ऑलरेडी जला चुके थे और वो न्यू टावर में एंट्री कर चुके थे। जब हमारी टीम वहां पे पहुंची तो वो ऑलरेडी न्यू टावर में थे और एंट्री करने के मतलब जिस रूम के अंदर थे उस रूम के अंदर मेरी फायरिंग हुई उनसे। और उसके बाद फायरिंग होने के बाद उसमें एक टेररिस्ट इंजर्ड हुआ और उसके बाद वो किचन के रास्ते से फिर वापस ओल्ड हेरिटेज विंग में चले गए थे। तो मुझे इस तरह से लगता है कि वो ऑपरेशन बड़ा आसानी से हो सकता था, अगर उसको टैक्टिकल रूप में अगर देखा जाए तो बहुत आसान ऑपरेशन हो सकता था। आतंकी होटल के टावर सेक्शन के मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल होकर होटल की लॉबी एरिया की ओर बढ़ गए। इसके ठीक 5 मिनट बाद 2 और आतंकवादियों ने होटल के दरवाजे को बम से उड़ा दिया और ताज होटल के ग्राउंड फ्लोर में दाखिल हो गए और रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गए। प्लान क्या था उन्होंने होटल ताज के जो सिक्योरिटी मैनेजर थे उनसे पूछा कि इस रूम का एंट्री और एग्ज़िट गेट कहाँ है, तो उन्होंने बताया यही एंट्री है और यही एग्ज़िट है, जबकि उस रूम का एक और दरवाज़ा किचन में जाके खुलता था। तो ये दूसरी मिस्टेक हुई। अगर वो हमें बता देते, टीम को अगर बता देते कि इसका एक और रास्ता किचन में खुलता है, तो हमारी टीम पहले ही वहाँ जाके सेट हो जाती और जो भागने वाले जो टेररिस्ट थे उस साइड से, जो ओल्ड हेरिटेज विंग में वहाँ से निकल के गए, उनको आराम से एक एक करके मार सकते थे। लेकिन आतंकियों को तब तक ये पता नहीं था कि ताज होटल में उनका सामना हिंदुस्तान के एक ऐसे जाबाज कमांडो से होने वाला है जो उनके खूंखार प्लान पर ब्रेक लगा सकता है। जब मैं स्टार्टिंग से मैंने अपॉइंटमेंट संभाला, क्योंकि अधिकारी जो थे उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट डिटेल किया, तो मैं सबसे पहले आगे चला। ताज के अंदर जो लॉबी से एंट्री की हमने, तो सबसे पहले एंट्री करने वाला मैं ही था। उसके बाद मैं लेफ़्ट टर्न हो गया, सारी चीज़ें सामने आई, तो वहाँ पे देखा अंदर जाके लॉबी के अंदर जो मुंबई पुलिस थी उन्होंने कवर लिया हुआ था जगह जगह पे, और पूरे जो ग्लास थे वहाँ पे टूटे पड़े थे, ब्लड के बहुत ज़्यादा धब्बे और खून मतलब इस तरह से बह रहा था वहाँ पे, और डेड बॉडीज़ को निकाल रहे थे, किसी की कमर से खून बह रहा था, कोई कराह रहा था। तो एक ऐसी सिचुएशन है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपके अंदर गुस्सा ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हो कि यार ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे इनोसेंट लोगों को आके मार रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है कि मानवता के ऊपर, ये एक मानवता के ऊपर हमला मैं मानता हूँ इसको। होटल ताज में आतंकियों ने कई विदेशी मेहमानों को बंधक बना लिया था। आतंकियों ने ताज होटल के हेरिटेज विंग में आग लगा दी थी। मार्कोस की टीम खामोशी से होटल के अंदर बढ़ने लगी। होटल के सिक्योरिटी मैनेजर उनके साथ थे। इसके बाद मार्कोस की टीम ताज होटल के सेकंड फ्लोर पर मौजूद चैम्बर हॉल के सामने पहुंची। वहां उन्हें एक दरवाजा दिखा। हॉल के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। मार्कोस कमांडर प्रवीण ने तब अंधेरे कमरे में हथियार से लैस 4 आतंकियों के साथ अकेले ही मोर्चा संभाला। मैंने जो पेन था, जो दर्द हो रहा था, जो जलन थी, उसको पूरा का पूरा डाइवर्ट किया। पूरा जो कारपेट था उसको मैंने हाथ से जकड़ के और उस पेन को डाइवर्ट करने की कोशिश की, और डाइवर्ट करते करते फिर मैंने अपने आप को उस रूम के अंदर सैचुरेट किया। जब सारी चीज़ें दिखाई देने लगी तो मैंने देखा कि मेरे पीछे की साइड में एक सोफ़ा है। सोफ़े और दीवार के बीच में थोड़ा स्पेस है जहाँ पे मैं कवर ले सकता हूँ। तो मैंने बिना कुछ सोचे जब वेपन को अपनी थाई पे रखा, बिना, क्योंकि ड्रैग का कोई साउंड नहीं होना चाहिए उस समय पे, मैंने वेपन को अपनी थाई पे रखा। फिर धीरे धीरे खिसक खिसक के मैंने उस सोफ़े और दीवार के बीच में अपने आप को कवर ली। कवर लेने के बाद देखा तो मैं इस रूम के अंदर अकेला था, और उस समय पे मैंने फिर अपने देखा कि चोट कितनी है। फिर मैंने थैंक यू बोला भगवान को कि ये चोट मेरे हार्ट से ऊपर है, क्योंकि हार्ट से नीचे होती तो ब्लीडिंग और ज़्यादा हो सकती थी। तो हार्ट से ऊपर है तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी, और मैं काफ़ी देर तक अभी और फाइट कर सकता हूँ, एनिमी को और ज़्यादा देर तक इंगेज कर सकता हूँ। तो फिर मैंने देखा, तो फिर मैंने फील किया इस जगह को, तो पूरा का पूरा यहाँ पे एक मांस का लोथड़ा पूरा लटका हुआ था। मार्कोस टीम के कमांडो प्रवीण तेवतिया को अब तक आतंकी की गोली लग चुकी थी। उनका कान इस हमले में उड़ चुका था, लेकिन जाबाज कमांडो प्रवीण आतंकियों पर हमला करते रहे। आखिर में उन्होंने आतंकियों पर ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन फिर क्या हुआ ये कमांडो प्रवीण की जुबानी ही आप खुद सुने। मैंने हैंड ग्रेनेड निकाला लाइव, पिन खींचा, और मैंने उनकी तरफ जहाँ से मेरे ऊपर फायर आ रहा था मैंने उधर लॉब कर दिया, फेंक दिया। 2 साउंड मुझे सुनाई दिए गिरने के, उसके मैं कंफर्म हो गया कि ज़्यादा जो ग्रेनेड ज़्यादा लुढ़क के कहीं नहीं गया है, जहाँ पे मैंने फेंका है वहीं बिल्कुल सही लोकेशन पे गिरा है जाके। फिर मैं वेट करने लगा, अपने आप को मैंने सिक्योर कर लिया, क्योंकि अभी ग्लास वगैरह जो भी कुछ था उस रूम में फटेगा। तो मैंने अपने आप को कवर किया, अपना जो हाथ थे वो सर के ऊपर डाल लिया, और मैंने अपनी छोटी पोजीशन बना ली, और 1 से लेकर मैंने 10 तक काउंट किया, लेकिन वो ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं हुआ। ग्रेनेड फटा नहीं, वरना होटल ताज में आतंकियों का सफाया उसी वक्त हो जाता। साथ ही होटल ताज में मार्कोस कमांडो का ऑपरेशन भी शायद तभी खत्म हो जाता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगर वो ग्रेनेड फट जाता तो चारों टेररिस्ट उसी समय पर वहीं पे ढेर हो जाते। जो ऑपरेशन इतना लंबा चलना था 59 आवर तक, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे पैकअप हो सकता था। और ये एक ऐसी चीज़ थी कि इतने बड़े ऑपरेशन में एक छोटा सा ग्रेनेड मान लीजिए, लेकिन उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। अगर वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता तो चारों टेररिस्ट वहीं ढेर हो जाते और मार्कोस को इसका पूरा क्रेडिट चला जाता। मार्कोस कमांडो प्रवीण उस अंधेरे हॉल में अकेले चारों आतंकियों का सामना कर रहे थे, तभी उनकी टीम ने उन्हें शहीद मानकर उस चैम्बर हॉल में टीयर गैस का गोला फेंक दिया। बदकिस्मती जैसे प्रवीण का इंतजार कर रही थी। टीयर गैस प्रवीण के सामने आकर गिरा। उससे निकलने वाली गैस के चलते घायल प्रवीण की मुश्किलें और बढ़ गई। तो उन्होंने क्या किया, उस रूम के अंदर टीयर गैस का एक शैल डाल दिया। जो शैल था वो मेरे पास में आके गिरा और वहीं पे वो एक्सप्लोड होने लगा। तो उस जगह पे सफोकेशन शुरू हो गया। सफोकेशन के बाद मेरी आंखों से पूरा पानी जाने लगा, आंसू जाने लगे बहुत बुरी तरह से। और सफोकेशन की वजह से जब मुझे खांसी आई, जैसे ही मैं खांसा तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने मेरे ऊपर बस्ट में फायर किया। तो मैं समझ गया कि यहाँ से अब ज़िंदा जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो मेरा पार्ट था वो पूरा हो चुका है। अभी अगर ये टीयर गैस नहीं आती मेरे ऊपर तो मैं और ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकता था, और ज़्यादा टाइम ले सकता था, इनको इंगेज करके रख सकता था। लेकिन अब सिचुएशन पूरी बदल गई। प्रवीण अब आतंकियों के सामने एक्सपोज हो चुके थे। संख्या में आतंकी 4 थे। उनके पास 4 AK-47 राइफल थी और 1 मिनट में AK-47 राइफल से 90 गोलियां निकलती हैं। मतलब बेहद साफ था, कमांडो प्रवीण के लिए मुकाबला अब निर्णायक था। AK-47 की फायर पावर इस तरह से है कि आप 1 मिनट के अंदर 3 मैगजीन 90 गोलियां उसमें से निकाल सकते हो। तो फिर मैंने जब वो गोलियां चलाई उनके ऊपर तो एक टेररिस्ट को उसमें गोलियां लगी। जब मैं खड़े होकर उनके ऊपर फायर करके और निकल रहा था तब तक मेरे ऊपर एक बस्ट की एक बौछार आई। उसमें से एक गोली मेरी जो मैगजीन थी, यहाँ पे AK-47 की 2 मैगजीन थी, एक गोली उसमें घुस गई जिसने दोनों मैगजीन को फाड़ दिया। जो प्लेट थी बुलेट प्रूफ की उसके अंदर इतना बड़ा होल बना दिया। 1 mm बची थी वो जस्ट पेट में घुसने से। प्लेट और पेट में सिर्फ 1 mm का अंतर था, वो बच गई। दूसरी गोली रिकॉजिट होकर मेरे हार्ट के ऊपर आई, वो बच गई, क्योंकि रिकॉजिट होने के बाद में उसकी जो क्षमता होती है गोली की, पेनिट्रेशन पावर है, वो कम हो जाती है जी, उससे मैं बच गया। लेकिन तीसरी जो बुलेट आई वो प्लेट के कॉर्नर में हिट हुई और चेस्ट के आर पार निकल गई। एक गोली गर्दन के पास में जो कॉलर बुलेट प्रूफ जैकेट का कॉलर था उसमें से निकल गई पूरी फाड़ के। तो तब तक मेरी बॉडी मूवमेंट में आ चुकी थी और मैं दरवाजे की तरफ फेस करके निकल रहा था, फायर करके निकल रहा था। तब तक ये हो चुका था, मतलब ये फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में काम है सारा का सारा। तब तक मैं दरवाजे की तरफ मैंने फेस किया और उधर की तरफ मूवमेंट बनाया। तो मैं जब दरवाजे के तक पहुंचते मुझे पता चल चुका था कि गोली मेरे चेस्ट में लगी है और दरवाजे तक पहुंचना बहुत ही नामुमकिन सा था। लेकिन दरवाजे तक मैं किसी तरह से पहुंच गया, क्योंकि बॉडी उस समय पे मूवमेंट में थी। जैसे जैसे प्रवीण उस हॉल से बाहर तो निकल गए, लेकिन गोलियों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया था। इसके बाद मार्कोस के दूसरे कमांडो उन्हें होटल की लॉबी में ले आए। तब मीडिया ने उनकी हालत देखकर उन्हें शहीद तक बता दिया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। प्रवीण आतंकियों के घातक हमले के बावजूद बच निकले और उस रात की कहानी बताने को वो हमारे बीच मौजूद है। एलवे के अंदर पहुंचे तो मेरी टीम वहां पे मौजूद थी। उन्होंने मुझे आगे की तरफ पुश कर दिया और मैं आगे चलता रहा। मुझे मतलब पैर कब कैसे पड़ रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। मुझे ये याद है कि मैं एक स्प्रिंग की तरह वहाँ पे एलवे में मुड़ रहा हूँ और गिर रहा हूँ एक स्प्रिंग की तरह, और मेरे जो वेपन है वो मेरे मतलब पॉइंट उसका नीचे की तरफ हो रखा है और ट्रिगर में मेरे उंगली है। और जब मैं मुड़ रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे एक गोली फायर हुई जिसका निशान आज भी उस एलवे के अंदर मौजूद है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। फिर जब वो मुझे उठा के लॉबी में नीचे लेकर आए, तो लॉबी में जब लेकर आए तो जो कैमरे, जो मीडिया पर्सन्स थे वहाँ पे सारे के सारे, वो फ़ोटो खींचने लगे। जैसे ही वो कैमरे की फ्लैश मेरी आंखों पे पड़ी, मुझे दोबारा चेतना आ गई और मैं उसी सिचुएशन में वापस चला गया कि अपना 100% देना है, कुछ बच गया लग रहा है। तो मैंने अपने वेपन को उठाने के लिए मैंने अपने राइट हैंड को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं हाथ उठा ही नहीं पाया। मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आंखें नहीं खोल पा रहा। मुझे पता है क्या शोर मच रहा है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, हाथ ऐसे लटके हुए थे। तो मीडिया का उस समय पे रिपोर्ट आया था कि एक कमांडो शहीद। अब तक सुबह के करीब 5 बज चुके थे। मार्कोस कमांडो की 3 टीम आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने में जुटी थी, लेकिन सुबह करीब 8:30 बजे तक दिल्ली से सटे गुड़गांव से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी के कमांडो भी वहां पहुंच चुके थे। मार्कोस की टीम ने तब तक होटल ताज में फंसे कई मेहमानों को सुरक्षित निकाल लिया था, लेकिन 27 नवंबर की सुबह एनएसजी के कमांडो ने पूरे ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लिया। तो 8:30 बजे अप्रोक्सीमेट सुबह की बातें थी, ये 5:30 बजे की। उसके बाद एनएसजी ने टेक ओवर कर लिया। जो हमारे जो चैम्बर में जितने भी गेस्ट थे उनको हमारी टीम ने निकाल लिया। उस जिस रूम में मेरी फायरिंग हुई उसमें वो एक रक्षक बैग छोड़ के भाग गए अपना। उस रक्षक बैग में 500 AK-47 के राउंड थे, 16 हैंड ग्रेनेड थे, उनके ड्राई फ्रूट्स थे, उनकी करेंसी थी। तो एक तरह से उनके हाथ जो थे हमारी टीम ने काट दिए, क्योंकि एक बड़ा रक्षक बैग जो अम्यूनेशन का कंटेंस जो था वो हमारी टीम को मिल गया। नहीं तो हो सकता था कि अगर वो एक 500 AK-47 और उनको मिल जाते तो हो सकता था कि ये जो 59 आवर तक चला ये और खिंच सकता था। उन्होंने सबसे पहले होटल ओबेरॉय में बंधकों को मुक्त कराया। यह ऑपरेशन 28 नवंबर की दोपहर को खत्म हुआ और उसी दिन शाम तक नरीमन हाउस के आतंकवादी भी मारे गए थे। लेकिन होटल ताज के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में 29 नवंबर की सुबह तक का वक्त लग गया था, लेकिन इस हमले ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नापाक साजिश को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया था। मुंबई के 26/11 हमले में कुल 166 लोग मारे गए, जबकि 308 लोग घायल हुए थे। लेकिन हिंदुस्तान के जाबाज कमांडो की बहादुरी की बदौलत मुंबई में आतंकियों का खूनी खेल ज्यादा लंबा नहीं चल सका और 29 नवंबर को आतंकियों के मारे जाने के साथ यह ऑपरेशन खत्म हो गया।